मीडिया का तय दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ जो हर वक्त मुलाजम की और वर्कर की बात को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज का जो मेन मुद्दा और मकसद प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, सबसे अहम मुद्दा ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो चाहे वो परमानेंट मुलाजम हैं या टेम्परेरी वर्कर्स हैं, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार है कोई ना कोई ऑर्डर जो है वो मुलाजमों को जो है थोप देती है। मुलाजम का सबसे अहम मुद्दा जो SRF 43 था, तो आज सरकार उसके साथ भी छेड़खानी कर रही है, चाहे वो गेस्टेड है चाहे नॉन गेस्टेड है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो SRF 43 था, इसके लिए हमने पहले भी बहुत स्ट्रगल की और आज भी जो SRF 43 पर है, सरकार इसको कहती है जी कि सिर्फ फॉरेस्ट पर ये लागू होगा, बेट फॉरेस्ट पर। हम ये कहना चाहते हैं कि ये एम्प्लॉयज़, अगर एक एम्प्लॉयज़ की डेथ होती है उसके बाद SRF 43 उस पर लागू होता था, तो वो फैमिली की एक प्रोटेक्शन थी। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार अगर इस SRF 43 पर कोई अमेंडमेंट करना चाहती है या मुलाजमों को ये कहते हैं कि ये नहीं मिलना चाहिए, तो इस पर जम्मू कश्मीर का जो सारा मुलाजम है वो रोड पर निकलेगा, जिसकी रिस्पांसिबिलिटी यहाँ की यूटी की सरकार की है। इसके साथ यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं, 1 लाख से ज़ायद जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो टेम्परेरी वर्कर लगाया हुआ है, अभी तक जम्मू कश्मीर में जितनी सरकारें रही हैं उन्होंने भी इसको इग्नोर किया है। और जब पोल्यूशन सरकार थी, SRO 520 बनाया गया, वो भी इनके साथ एक बहुत बड़ा खलवाड़ किया गया। हम ये कहना चाहते हैं 1 लाख से ज़ायद जो इनको 20 और 25 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जितनी सरकारें रहीं उन्होंने भी इग्नोर किया। और आज हमें उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर एक स्टेट है, उसको बाद इसमें यूटी में तब्दील किया गया है, लेकिन अभी इनका मसला जो है जू का तो बड़ा हुआ है। 900 लोग जो हेल्पर और टू सुपरवाइज़र जो पीछे सरकार ने 20 और 25 साल से जिनको टर्मिनेट किया है, हम ये कहना चाहते हैं उनको भी रिंगेज किया जाए। और जम्मू कश्मीर को अगर आपने यूटी बनाया है, तो हम ये कहना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर या जितने यूटी हैं या स्टेट हैं वहाँ 18,000 मिनिमम वेजेस एक्ट दिया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो टेम्परेरी वर्कर है उसको सिर्फ 650 रुपया दिया जाता है। और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनको 3-3, 4-4 साल तक सैलरी भी नहीं मिलती, ये कितने बड़े दुख की बात है। हमारी ये डिमांड है, अगर यूटी बनाया है तो 1,000 रुपया होना चाहिए। DA जो सरकार ने पीछे रिलीज़ किया है, 18 महीने का जो एरियर है, अभी तक सरकार ने वो बंद रखा है। हम ये कहना चाहते हैं जितना 1-1-2020 से लेकर 30-6-2021 तक 18 महीने का जो एरियर बनता है वो सरकार को इमीडिएटली रिलीज करना चाहिए। DPC जब सरकार GAD का ये आर्डर है कि DPC साल में 2 बार होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट में हैं जिनमें 3-3, 4-4 साल DPC नहीं होती। हम ये भी डिमांड करते हैं कि DPC भी टाइम पर होने चाहिए। तो हमारी यही डिमांड है कि अगर जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया है, जितने लाभ यूटी वालों को मिलते हैं वो जम्मू कश्मीर के मुलाजमों को भी मिलने चाहिए। इसी पर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है, हम तमाम जम्मू कश्मीर के मुलाजमों को अपील करते हैं कि इस वक्त सब इकट्ठा होने की ज़रूरत है। क्योंकि सरकार अगर हमारा मुलाजम जम्मू कश्मीर में दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करता है, तो ऐसे रूल मुलाजमों पर क्यों थोपे जा रहे हैं। तो इसी पर हमने 7 दिसंबर 2021 को एक प्रोटेस्ट रखा है प्रेस क्लब के अंदर। अगर सरकार इन चीज़ों को, ये जो हमारी डिमांडें हैं, इनको सेटल नहीं करती, तो 7/12/2021 को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ प्रेस क्लब के अंदर होगा। तो अगर सरकार इस इशू को नहीं करती, शायद आगे भी आने वाले दौर में वो है जिसकी रिस्पांसिबिलिटी यहाँ की यूटी की सरकार की है, ना कि मुलाजम की।